इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अस्तित पाठी। बिंद के दक्षिण में प्रेसिडेंसी क्षेत्रों और रिहायशी क्षेत्रों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गों यानी बैकवर्ड क्लास के लिए आजादी से बहुत पहले आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में पिछड़े वर्ग की गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन देने के लिए आरक्षण दिया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों और समुदायों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1902 की अधिसूचना जारी की गई थी, जो देश में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण मुहैया कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। लेकिन इसके बाद देश के हालात के साथ साथ आरक्षण का दायरा भी बढ़ता चला गया। आजादी के बाद संविधान में आरक्षण की नींव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और समाज में असमानता खत्म करने के लिए रखी गई थी। शुरुआत में यह व्यवस्था कुछ सालों के लिए लागू की गई थी, जिसके बाद प्रावधान रखा गया कि हर 10 साल में समीक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार कर इसके स्वरूप को तय किया जाएगा। लेकिन आज एससी एसटी और ओबीसी की बेहतरी के लिए दी गई सुविधा को हक मान लिया गया है। इसी के साथ वोट की राजनीति के चलते सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज भी दोनों पक्षों की लड़ाई जारी है। ऐसे में गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई की, जिसमें पीठ ने कहा कि संतुलन के बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यह राज्य का काम है कि वह संतुलन बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी की कि जिसमें पीठ ने कहा कि अगर एक आदमी रिजर्व कैटेगरी से आता है और राज्य का सेक्रेटरी है, तो क्या ऐसे में यह तार्किक होगा कि उसके परिजन को रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड माना जाए। सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बात का आकलन कर रही है कि क्या क्रीमी लेयर के सिद्धांत को एससी एसटी के लिए लागू किया जाए, जो फिलहाल ओबीसी के लिए लागू है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग मापदंड अपना रही हैं? क्या आरक्षित वर्गों को छोड़कर अन्य वर्गों के गरीब लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण जैसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? आरक्षण के लागू होने के बाद आरक्षित वर्ग के कई लोग आज भी पिछड़ेपन का शिकार क्यों है? क्या क्रीमी लेयर के सिद्धांत को अपनाकर समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? ऐसे में आज चर्चा सुप्रीम सवाल के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो देश में एससी और एसटी वर्ग के उत्थान और समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण की शुरुआत को धीरे धीरे सियासी दलों ने वोट बैंक का हथियार बना लिया। आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा आज तक नहीं हो पाई है। एक बार जिसे इसका फायदा मिला तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहा। राजनीतिक दलों ने भी वोट बैंक की खातिर आरक्षण को मनमर्जी से रेवड़ियों की तरह बांटा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 90 के दशक की शुरुआत में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के जरिए आरक्षण की जो चिंगारी सुलगाई, वो आज भी देश के हर कोने में दहक रही है। आरक्षण के समर्थक और विरोधी इसको लेकर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर देश में कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन आजकल प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दे को ज्यादा हवा मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एम रागराज को लेकर एक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर की अवधारणा सरकारी नौकरियों की पदोन्नतियों में एससी एसटी आरक्षण में लागू नहीं की जा सकती, जैसा अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर 1992 के इंदिरा साहनी व अन्य बनाम केंद्र सरकार और 2005 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के फैसले में कहा गया था। प्रमोशन में आरक्षण की मौजूदा स्थिति के मुताबिक सरकारी विभाग में होने वाली 14 नियुक्तियों में अनुसूचित जाति को मिलने वाले 15% आरक्षण के हिसाब से 2 पद आरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में निचले कैडर में अभी इस वर्ग को लोगों को केवल एक ही पद मिल रहा है।
बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां पदोन्नत नियम 2002 का फायदा लेकर केवल 6 साल पहले भर्ती हुए आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अपने से 16 साल पहले भर्ती सामान्य वर्ग के कर्मचारी से काफी आगे निकल गए, क्योंकि इस नियम की वजह से जहां आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को 5 साल में प्रमोशन मिल जाता है, वहीं अनारक्षित वर्ग का कर्मचारी 16 साल बाद भी प्रमोशन का इंतजार कर रहा है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलील दे रही है, लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया कि आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पद पर पहुंच चुके शख्स के बच्चों को पिसा मानकर आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट बराबरी के लिए है। क्रीमी लेयर पर टिढ़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की नजर। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अडिग सरकार की बड़ी मुश्किल। बड़ा सवाल, आरक्षित वर्ग के संपन्न बच्चों को आरक्षण का लाभ कब तक। देश में रिजर्वेशन की लड़ाई सालों से चली आ रही है। आजादी के बाद से ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई। देश के तमाम राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी आरक्षण को लेकर हल्ला होता रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, गुजरात में पाटीदारों की मांग किसी से छिपी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर गर्माता दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सवाल उठाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण उचित नहीं और ये संवैधानिक भी नहीं है। जी हाँ, CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरिमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में पक्षकारों ने नागराज के फैसले पर पुनर्विचार को लेकर केंद्र सरकार की याचिका का विरोध किया है और कोर्ट ने कहा कि संपन्न वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर करने वाला क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग मामले में लागू होता है, उसे SC ST में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में क्यों लागू नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी की शुरुआत में आरक्षण का नियम तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स आरक्षण का लाभ लेकर राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है तो क्या उसके बच्चों को पिछड़ा मानकर नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए और जिससे परिणामी वरिष्ठता भी मिलती हो। क्या है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर में आने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण है। परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक हो, अब इसे 3 बार बढ़ाया गया। साल 1993 में इसकी सीमा 1 लाख रुपए सालाना थी। साल 2004 में आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो, फिर साल 2008 में 4.5 लाख रुपए और 2013 में 6 लाख रुपए की गई, जिसे साल 2017 में बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। दरअसल देश के संविधान में आरक्षण की नींव शुरुआत में सिर्फ SC और ST वर्ग के उत्थान और समाज में असमानता खत्म कर पिछड़े हुए लोगों को सशक्त करने के लिए रखी गई थी। ये प्रावधान सिर्फ 10 साल के लिए था और हर 10 साल में हालात की समीक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार किए जाने का प्रावधान भी था, लेकिन हमारे यहाँ रिजर्वेशन पर हमेशा राजनीति हावी रही। यही वजह है कि इसकी फिर कभी समीक्षा नहीं की गई और आज देश आरक्षण की आग में जल रहा है। आज मांग है मौजूदा हालात में आरक्षण सूची की समीक्षा की एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली विकसित करना, साथ ही आरक्षित वर्ग के संपन्न बच्चों को भी आरक्षण के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर वाकई पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को विकास के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ही इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करे तो शायद कुछ स्थिति बदल पाए, वरना सवाल बने रहेंगे कि क्या अब भी आर्थिक आधार की बजाय जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था जायज है। बिल्कुल नहीं, इतिहास गवाह है किसी जाति या वर्ग को एक लंबे अरसे तक उसके हक
और हुकूक से महरूम रखना सामाजिक असंतोष और गृह युद्ध को बढ़ावा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य से केंद्र तक मची हुई हो रात, क्रिमिनल एयर को लेकर शीर्ष अदालत को करना पड़ रहा हो विचार और वोट बैंक के खाते सुप्रीम कोर्ट में सरकार को लड़नी पड़ रही लगानी पड़ रही हो गुहार, तो सवाल उठते हैं। क्रिमिनल एयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का क्या केंद्र और राज्य सरकार लेगी संज्ञान? एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा लाभ देने से क्या दूसरे वर्गों के हितों की नहीं होती अनदेखी? क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू न कर क्या लोगों के बीच नहीं बढ़ रही है वैचारिकता की खाई? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केदार तोमर जी, हैं संरक्षक सपाक्स के हैं। केदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर समर जी हैं प्रवक्ता अजाक्स। विजय शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल श्रीवास्तव जी हैं विश्लेषक है राजनीतिक विश्लेषक। कमल जी आपका स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ के अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। पहला हम समर जी आपसे ही सवाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के आधार पर उन्होंने कहा है कि अगर क्रीमी लेयर, जिस तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात होती है उसी तरह एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की अगर बात हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 33% से कम आरक्षण कर दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि अगर क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलना बंद हो, ये चाहे प्रोन्नति में हो चाहे नौकरी में हो, तो उसी तबके के दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये प्रश्न बेहद मौजू है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके की टिप्पणियां आई अधिवक्ताओं द्वारा, तो उन पर जो विचार लाया गया विशेषकर क्रीमी लेयर के संबंध में, मेरा उसमें विचार ये है कि क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वह संवैधानिक नहीं है जी। ये केवल इंदिरा साहनी वाले केस के बाद इसका प्रयोग होने लगा है जो सर्वथा उचित नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं और किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बना दिया गया है जी, वो जाति का जो है जिस तरीके से आरक्षित वर्ग कहा जाएगा उसको जी, तो वो आरक्षित वर्ग का अगर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो उसकी जाति समाप्त नहीं होती है जी। तो हमारा कहना उसमें यही है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में वो क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान ना संवैधानिक है ना इस तरीके की बात शुरू होनी चाहिए। नहीं, आर्थिक बात है, जैसे डॉक्टर का बेटा है अगर कोई, उसका तो स्तर अपने आप सुधर चुका है ना। अब उसका बेटा अगर नौकरी पे आता है फिर उसको भी प्रमोशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोई चीफ सेक्रेटरी पे है उसका बेटा अगर आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण लेता है, तो ये फिर कहां से समानता हुई? नहीं, एक तरफ कोई दूसरी जाति का है, समान हो, पिछड़ा वर्ग हो, वो उसका उसके पिता मजदूरी करते हो और वो नौकरी में अगर दरखास्त दिया है उसको नौकरी न मिले या उसको प्रमोशन में आरक्षण कर के चलते उसको प्रमोशन न मिल पाए, ये कहीं से समानता आपको दिखती है एक देश में एक नागरिक? देखिएगा, हमको इस पे विचार करने की आवश्यकता होगी कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों बनी, क्योंकि हमको अगर जब इस पूरी की पूरी बीमारी की तरफ हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर ये चीज नहीं समझ पाएंगे। मोटे तौर से हमको है बीमारी कैंसर और उसको डायग्नोज किया गया, डॉक्टर द्वारा डायग्नोज किया गया कि इनको अमुक बीमारी है कैंसर, तो कैंसर का इलाज होना चाहिए ना उसका जी, ना कि औपचारिक दवाइयां देकर के उसकी पूर्ति की जाए। तो ये वैसा जो वैसा ही मुद्दा है कि क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति जनजाति, चूंकि वो जातीयता के आधार पर उसको आगे बढ़ाने की बात की गई थी जी, वहां पर तो निश्चित रूप से क्रीमी लेयर वाले जो मामलात हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में फिट नहीं होते और पिछड़ा वर्ग में फिट हो जाते हैं। नहीं, पिछड़ा वर्ग में भी उन लोगों को भी उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाया। अभी 27% का आरक्षण मिलना चाहिए था उनको, उनका लाभ उनको अब पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। हमारे मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल पाया 27% का। अगर उनको भी आरक्षण दे देंगे तो 60% से आरक्षित हो जाएंगी सीटें। नहीं, कहां हो जाएंगी, कहां हो जाएंगी? देखिए, 33% एससी एसटी 27 वो तो 60% हो जाती है। नहीं, नहीं होगा उसमें। ये देखिएगा आप, 50% से सीलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की, 50% से अधिक आपको नहीं देना है लेकिन 50% का ही बंटवारा वैसा किया गया है जी। जैसा वो 27% है हमारा जो है 18% है उनका, 20% है, जो इस तरीके से आएगा ना तो उस तरीके से ही आपको लेना होगा। देखिए, 33% एससी एसटी के लिए है जी, बिल्कुल अलग अलग है। 27% अगर पिछड़ा वर्ग को दे देंगे तो कितना हो गया, सीधे सीधे 60 होता है ना। और सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है
कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। बहुत ताज्जुब होगा आपको जी, जो 14% हमारे यहाँ दिया जा रहा है जी, वो पूर्णतः नहीं दिया जा रहा है जी, मध्य प्रदेश भर में, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग के लिए जी, है ना। तो उन उस पूरी की पूरी बातचीत को हम उससे भी जोड़ना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को जिस तरीके का रिजर्वेशन सर्विसेज में मिलना चाहिए था, शिक्षा में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है, तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। चलिए, अभी तो खैर पिछड़ा वर्ग को छोड़िए, अभी तो प्रमोशन में आरक्षण की बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके मुताबिक माने जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं तो एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर मुझे होने चाहिए। हाँ, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि चूंकि जातीयता से जुड़ा पूरा बैटर है और हम जो है क्योंकि पिछड़ेपन वो जातीयता के आधार पर पिछड़ा है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम आरक्षण जैसी जो है उसको सहायता करते हैं, तो वो सहायता यानी सामाजिक बराबरी लाने के लिए की जानी है हमको। तो उसका अगर एक आदमी उस पूरे परिवार में एक आदमी डॉक्टर बन जाता है तो उसके डॉक्टर बनने से उसके पूरे परिवार को अपन कैसे पृथक कर सकते हैं? पूरा परिवार की बात नहीं कर रहे, जिसको आरक्षण का लाभ जो डॉक्टर बन गया है उसके बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उसके भाई की या दूसरे भाई की या उसकी बहन की बात नहीं कर रहे। निश्चित रूप से वो कैसे होगा आप बताइए ना, उसको उसके अन्याय नहीं होगा। ये नहीं कहते 33% आरक्षण हो, लेकिन दूसरा जो जो आपके ही समाज का जिसको आप जातीयता की बात कर रहे हैं उसमें दूसरे बच्चे कितने ही एससी और एसटी के बच्चे नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए भटक रहे हैं 100%। और यहाँ एक क्लास वन अधिकारी है कोई भी, क्योंकि वो संपन्न हो चुका है, उसको सारे रास्ते मालूम है, बिल्कुल तो क्लास वन अधिकारी का बच्चा फिर से आरक्षण लेके अधिकारी बन जाता है, लेकिन जो पहले से भटका हुआ है, पिछड़ा है, आपके माने एक तरह से हमें कहने में संकोच नहीं लग रहा कि अब पहले वो अगर सवर्णों के द्वारा शोषित रहा है तो अब अपने ही समाज के जो संपन्न लोग हैं उनके द्वारा शोषित हो रहा है। नहीं, ये एकदम दुष्प्रचार कहूंगा इसको। और दरअसल क्या होता है, आरक्षण रिजर्वेशन के माध्यम से जो बच्चे हमारे आगे आते हैं सर्विसेज वगैरह में जी, तो उनको इस वजह से प्रमोट नहीं कर दिया जाता कि अमुक जाति का इसलिए इसको आगे बढ़ा दो जी, या उसके माता या पिता जो है अमुक अमुक सेक्रेटरी हैं या अमुक पर बैठे हैं तो उनको इसलिए आगे बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम प्रमोशन की बात नहीं कर रहे, हम नई नौकरी की बात कर रहे। नई नौकरी नहीं तो कह रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि अगर उसने आवेदन किया है वहां पर और इस वजह से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसको शुद्धता विशुद्ध रूप से वो कंपटीशन के साथ आता है और उस कंपटीशन को पूरा करके आगे बढ़ता है। हम तोमर जी के पास चलेंगे, बाद में कमल जी आपके पास आते हैं, लेकिन श्रवण जी सीधी सी बात यह है, जो डॉक्टर इंजीनियर या क्लास वन अधिकारी है और एससी एसटी में आता है तो उसके बच्चों का पठन पाठन से लेकर सब कुछ स्टैंडर्ड बदल जाता है, और जो एक मजदूर का बेटा कहीं 1% की बात छोड़ दे जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, वो अपने बच्चे को 12वीं पास कराने में भी उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं, और अंत में वो जब देखता है कि 12वीं पास होने के बाद भी उसके अनुरूप या ग्रेजुएशन करने के बाद किसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको नौकरी नहीं मिलती, वो भटकता रहता है। और ये जो इनका, चूंकि ये इंटेलिजेंट किस श्रेणी में आ जाते हैं, इनका परसेंटेज बढ़ जाता है, अगर परसेंटेज की बात करें, इंटेलिजेंसी की बात करें, तो निश्चित तौर पे जब उस सामाजिक परिवेश में वो पलेगा तो वो जो गांव में रह करके मजदूर का बेटा है उससे बेहतर ही इंटरव्यू देगा, ये स्थिति हम बता रहे हैं आपको। खैर, हम आपके पास आते हैं फिर से, केदार जी के पास चलते हैं। केदार जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, आपकी क्या राय है कि उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए? अब फैसला तो खैर सुप्रीम कोर्ट का अभी सुरक्षित है, क्या फैसला आएगा ये बात की बात है, आपका क्या मत है जी? अभी तो बहस ही पूरी नहीं जी, मैं अभी केदार जी से बात पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब ये देखा कि कुछ क्लास ऐसा है जो कि पीछे रह गया है जी, चाहे वो जातिगत कारण हो जी, चाहे वह भौगोलिक कारण हो या वह सुदूर अंचलों में रहने वाला व्यक्ति जी, उस समय केवल जाति की बात नहीं आई थी जी, जिसको उठाने के लिए बात आई थी। इवन यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल आदि की बात करें, तो वहां पर कुछ सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया गया था जो कि बहुत सुदूर अंचलों में रह रहे थे, जो कि वास्तव में पिछड़े हुए थे, तो इस कारण उनको आरक्षण दिया गया था जी। और आज 70 वर्ष हो गए आरक्षण देते देते, एक नई प्रकार की स्थिति बन गई। एक नई प्रकार की बात में यदि कहना चाहें तो ये एक साजिश होगी उन लोगों के साथ
जो वास्तव में दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो निचले तबके में हैं, उनके साथ आज साजिश हो रही है। उनके साथ ये साजिश हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, मंत्री हो गया, ऊपर बढ़ गया, उसके बच्चों से वो बेचारा कल्लू चाचा हमारा, कल्लू मोची चाचा जो है, जो कि गांव में रह रहा है, जो कि अपने बच्चे अच्छे से नहीं देख रेख कर पा रहा है, अच्छे से नहीं खिला पिला पा रहा है, उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसका बच्चा कैसे कंप्लीट करेगा एक आईएएस के बच्चे से, एक बड़े जो कि बहुत ऊपर उठ गए हैं, जो सामान्य वर्ग से भी ऊपर कहीं पहुंच गए हैं, उनके बच्चे से कभी वह कंप्लीट कर ही नहीं सकता है, और उस वो वहीं के वहीं पर रह गया है। केवल कुछ परिवारों तक ही इसका फायदा पहुंच रहा है। 70 वर्ष होने के बाद भी आज भी एक बहुत बड़ा तबका अनुसूचित जाति का, जनजाति वर्ग का, एक पीछे रह गया है। तो कहीं ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सही बात कही है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सब में लागू होना चाहिए। जो एक बार ऊपर बढ़ गए, ऊपर उठ गए, उनको यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो पीछे जो रह गए हैं उन तक यह फायदा पहुंचे। यदि दूसरी तरफ से हम कहना चाहें, ये व्यवस्था दी गई थी कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, यानी यदि हम दिल्ली जाना चाहते हैं और हम जा रहे हैं बॉम्बे की तरफ जाके, हम दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो कभी नहीं पहुंचेंगे। वास्तव में जो शोषित पीड़ित दलित है उसके लिए जो हमें व्यवस्था करनी थी वो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी आरक्षण व्यवस्था में खोट है, जिसके कारण कि वो दलित पीड़ित शोषित व्यक्ति पीछे रह गया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग के व्यक्तियों में भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, इस प्रकार की जनता होगी जो कि बहुत ही गरीब है, बहुत ही वो भी शोषित पीड़ित और दलित की श्रेणी में एक तरह से आ चुके हैं, कि उनको मदद न दी जाए, कि चूंकि वह उन्होंने उच्च वर्ग में पैदा हुए तो उनके बच्चों को मदद न देना भी एक गलत है। अतः इसकी पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि वास्तव में जो वर्ग पीछे रह गया है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी भाषा का हो, उसके साथ यदि पीछे है तो सबका कर्तव्य होता है, हम सब भाई भाई हैं पूरे देश में, कि हम उसको ऊपर उठाएं, उसके लिए सुविधाएं दें। ये सुविधाएं केवल इसी बात के लिए थी कि जो पीड़ित हैं, पीछे रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए थी, ना किसी जाति विशेष के लिए। यदि हम जाति सर्टिफिकेट ही मांगते रहेंगे हमेशा तो कभी ये जाति कभी दूर नहीं होगी जो है, और धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाएंगे। सही मायने में देखा जाए तो आज हम भारतीय नहीं रह गए हैं, हमें सरकारों के द्वारा इस प्रकार से बांट दिया गया है, हमें हिंदू में बांटा, मुस्लिम में बांटा, ईसाई में बांटा, सिख में बांटा, अगले में बांटा, पिछड़े में बांटा, अनुसूचित जाति में बांटा, जनजाति में बांटा, यानी होना यह चाहिए था कि हमको एक भारतीय होना चाहिए था, उसकी जगह पर हमें कई वर्गों में बांट दिया गया, जबकि एक वर्ग बना के होना चाहिए जो पीछे हैं उनकी मदद करें। अभी तो कुमार जी प्रमोशन में आरक्षण की बात चल रही है, ये प्रमोशन में आरक्षण की बात करते हैं तो ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जिनके पिता क्रीमी लेयर हो चुके हैं, अगर मान लेते हैं जैसा उन्होंने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी का बेटा है तो उसको प्रमोशन में आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, क्रीमी लेयर की बात। सबसे पहली बात तो ऐसी स्थिति में ठीक है, जो क्रीमी लेयर है एससी एसटी में उनको प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण, चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो पोस्ट जो एससी एसटी की होनी चाहिए उसमें दूसरा व्यक्ति आएगा उसी जात से। मैं यदि पदोन्नति की बात करें, पदोन्नति की बात करें, उसमें जब एम नागराज साहब का जो फैसला जो आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, उन्होंने ये 3 शर्तें रखी थी, एक बैकवर्डनेस की रखी थी, दूसरी रिप्रेजेंटेशन की रखी थी जी, तो और तीसरी रखी थी दक्षता की जी। तो बैकवर्डनेस वाली जो बात है जी, जब देखा जाए कि कोई कर्मचारी अधिकारी सर्विस में आ गया तो वह पीछे नहीं रह गया, वह दलित नहीं रह गया, वह शोषित नहीं रह गया, वह सबके समान आ गया है। जब वह सबके समान आ गया तो समान रूप से सबके साथ नियम लागू होना चाहिए, जबकि इस तरह के नियम जो बना दिए गए, एक तरफा नियम बनाए गए, उससे स्थिति ऐसी हो गई, इतनी भयावह स्थिति हो गई, इस प्रकार के काले नियम थे कि जिसके कारण एक सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी कितने भी वरिष्ठ हैं, कितने भी योग्य हैं, कितने भी सीनियर हैं, कितनी भी उनकी सीआर अच्छी है, लेकिन उनके प्रमोशन हो ही नहीं सकते हैं। आज अधिकांश विभागों में स्थितियां इतनी विकराल हो चुकी हैं, यदि मेरे डिपार्टमेंट का ही नाम ले लीजिए, 100% संयुक्त संचालक आज केवल और केवल एक ही वर्ग विशेष के हैं और बाकी सामान्य पिछड़ा को नहीं मिल रहा है। पीएचई में देख लीजिए 100% चीफ इंजीनियर केवल एक ही वर्ग के हैं,
इसी प्रकार से यदि कृषि विभाग में देखो तो एडिशनल डायरेक्टर जितने हैं सब एक ही वर्ग के हैं, तो भाई इस प्रकार का ये कैसे नियम है? ये आरक्षण नहीं दिया है, ये तो इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई है कि एक वर्ग विशेष के ही लोग प्रमोशन हो बाकी नहीं हो। यदि हमारे विभाग की ही बात करें, हमारे जो संचालक है वो मेरे से एक साल जूनियर थे कॉलेज में, और वो जो है 5 साल की डिग्री 7 साल में लिए, मेरे साथ पीएससी दी तो मैं उस पीएससी का टॉपर था, वो 124वीं रैंक पे थे। उस सब के बावजूद भी वह आज पिछले 8.5 साल से संचालक बने हुए हैं और मैं एरिया रगड़ते हुए मुश्किल से एक प्रमोशन मिला है। ये तो मेरी स्थिति है, और जो ये सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के जो पीछे थे वो तो कभी पदोन्नति नाम की चीज सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसा क्या है, कैसी समानता की बातें हैं? ये संविधान बनाया, संविधान का मतलब है सबके साथ समानता का विधान, इसमें सबके साथ समानता क्यों नहीं है? इस प्रकार के काले नियम रहेंगे तो भेदभाव बढ़ेगा, हम लोगों आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, देश टूटेगा, देश कमजोर होगा। आज आवश्यकता है कि देश एक हो, सब लोग एक हो, जातियां टूटें, और जो कमजोर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उनके साथ न्याय हो और समानता। चलिए हम कमल दर्शक है दुर्ग से, सेवाराम जी सवाल सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल दोनों प्रवक्ताओं डॉक्टर केदार तोमर जी से और विजय शंकर श्रवण जी से है जी, और मेरे सवाल जो है संयुक्त रूप से रहेंगे सर जी। संयुक्त रूप से रहेंगे मेरे प्रश्न जी। आपके सवाल का उत्तर मैं दिलवाऊंगा, लेकिन कमल जी की टिप्पणी के बाद आप सवाल करिए, मैं याद कर रहा हूँ जी। मैं सवाल कर रहा हूँ सर जी, आज आरक्षण के दायरे में जो भी वर्ग है उसमें से कितने प्रतिशत आज भी आरक्षण से वंचित है, क्या उसका आंकड़ा आपके पास है? दूसरी बात, आज 70 वर्षों के बाद भी ऐसा वर्ग आरक्षण से वंचित क्यों है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या क्रिमिनल स्वयं ही यह संज्ञान लेंगे कि इनके भी वर्ग के लोग आज भी आरक्षण से वंचित क्यों है? क्या आप क्रिमिनल से सवाल कर सकते हैं? क्या प्रमोशन में आरक्षण संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध नहीं है, जिसमें समानता के अधिकार का ही उल्लंघन हो रहा है सर? आपका सवाल नहीं, बहुत लंबा सवाल हो गया, एक सवाल कोई करे आप तो मैं उत्तर दिलवाऊंगा। लगता है टीवी सेट का वॉल्यूम भी उन्होंने खोल रखा है। केदार जी या श्रवण जी, अगर आप उनके सवाल का समझ गए हो तो हम उत्तर चाहेंगे बाद में, लेकिन कमल जी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आप इसमें अच्छा खासा पढ़ते हैं, अच्छा खासा ज्ञान है, आपका मत क्या है यहाँ? देखिए मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ बोलने के पहले मैं बैकग्राउंड की बात करना चाहूंगा जी। क्या है कि जैसा कि तोमर जी ने बोला जी, कि संविधान में ये प्रावधान इसलिए लाए गए थे और एससी और एसटी के लिए लाया गया था जी, कि वो बहुत दलित वंचित रहे हैं समाज में, बहुत कुचले हुए लोग रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वो समाज में बराबर के दर्जा पा सकें जी। और उस वक्त दो बातें आई थी डॉक्टर अंबेडकर ने, जो किस चीज के वो माने जाते हैं, वस्तुतः उन्होंने कहा था कि वन टाइम आरक्षण 25 साल का दिया दे दिया जाए और उसके बाद समाप्त कर दिया जाए जी। पंडित नेहरू ने इस बात से असहमत होते हुए कहा कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए और उसके बाद हम विचार करके स्थिति को देखते हुए बार बार बढ़ाएंगे या खत्म कर देंगे जी। उसका फायदा नहीं हुआ जी, उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान ऐसा हुआ कि तमाम जातियों ने ये तय किया कि हमको अनुसूचित जात में जोड़ दिया जाए जी, ताकि हमको आरक्षण मिल जाए। आप खुद देखते हैं यहाँ पे डिमांड होती रहती जी, है जी। इसके बाद फिर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात आ गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्राविधान दिया है कि जो इकोनॉमिकली सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी चाहे तो शासन आरक्षण कर सकता है जी। वो फिर पहले तो महाजन कमीशन मध्य प्रदेश में हुआ था और भारत सरकार में मंडल कमीशन जिसने अपने रिकमेंडेशन दिया, उसके आधार पे ये तय किया गया कि आरक्षण दिया जाएगा। और फिर जो आपने बताया 27%, वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आड़े आ गया जिसने कहा कि 50% से ज्यादा टोटल नहीं हो सकता जी। अब उसके बाद बीच में एक जजमेंट आया जैसे बताया आपके कि प्रमोशन में आरक्षण की बात आई, पहले यही था कि वन टाइम आरक्षण होता था जी, एंट्री लेवल पे। उसके बाद जो प्रमोशन के आरक्षण का प्रावधान आया तो भारत सरकार ने अपने यहाँ लागू नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू हो गया। दिग्विजय सिंह जी, हाँ दिग्विजय सिंह जी ने किया प्रमोशन में आरक्षण का, जिसका परिणाम हुआ जो डॉक्टर तोमर ने भी बताया कि एक वर्ग विशेष जो आरक्षित लोग थे वो सब बढ़ते चले गए और बाकी के लोग अटक गए जी। अब सवाल ये आता है कि आरक्षण, हम जो अक्सर बात चाहे वो
सपाक्ष करे या जो भी करे कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया में तमाम बाढ़ आई हुई है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं। कारण कि जो असली बात है कि जिस ध्येय को रख करके ये प्रावधान रखा गया था वो ध्येय था कि समाज में दबे कुचले लोगों को बराबरी पर लाया जाए। पर वो जो आपने स्वयं इस बात को उठाया कि जो आदमी एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका, कुछ पद में पहुंच गया, उसके बच्चे को तमाम वो सुविधाएं पढ़ाई लिखाई में मिलती हैं जो अच्छे खासे सवर्ण वर्ग के बहुसंख्यक लोगों को नहीं मिलती है, तो उसको आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? अभी मिल रहा है और इनफैक्ट आरक्षण का लाभ कॉर्नर कर लिया गया है, आरक्षित वर्ग के लोगों के कुछ परिवारों द्वारा आरक्षण को कॉर्नर कर लिया गया है, हाईजेक के अंदर कॉर्नर क्या हमी को मिलता रहेगा, ये है बेसिकली। तो आज की तारीख में उसका एक ही इलाज हो सकता है जो मेरी समझ में कि वन टाइम आरक्षण, एक बार एक परिवार के आरक्षण मिला क्लास टू पोस्ट, उसमें ये कर दें कि क्लास थ्री फोर नहीं काउंट होगी, लेकिन क्लास टू पोस्ट पे आप का आ गए तो अब आपके परिवार से किसी को आरक्षण भविष्य में नहीं मिलेगा। परिवार यानी बच्चे या बच्चे नेचुरली बच्चे, वो परिवार को नहीं माना जाता किसी भी डेफिनेशन में, भाई वगैरह, तो क्योंकि सब वयस्क हो जाते हैं तो वो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। और उसके बाद जब उसको नहीं मिलेगा तो उसी समाज के दूसरे परिवार को मिलेगा, फिर तीसरे परिवार को मिलेगा, तब वो फैलेगा। अदरवाइज आज 70 साल के बाद भी आईएएस का बेटा ही आरक्षण का लाभ ले रहा है, या डिप्टी डायरेक्टर है गवर्नमेंट में या डायरेक्टर है उनके बच्चे को, या चीफ इंजीनियर है उनके बच्चे को लाभ मिल रहा है, ये स्थिति कभी खत्म नहीं होगी। और जब वन टाइम की बात होगी तो वन टाइम में प्रमोशन में भी आएगा कि वन टाइम प्रमोशन में नहीं मिलेगा, आपको एंट्री लेवल पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद आपको, आप कमजोर थे आपको बराबर लाया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, कैडर हो गया, अब उसके बाद अपनी मेरिट पे चलिए आप उसके आधार पे जहां आप। लेकिन उसका तर्क ये है कमल जी कि जो जितनी सीटें, चूंकि उतनी सीटें भरी नहीं गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं 10 सीटें हैं और 10 सीटों में बराबर की पोस्ट है, तो वहां आरक्षित वर्ग के उस 10 में 33% यानी लगभग 10 में से 3-4 लोगों को होने चाहिए। उनका तर्क ये है, श्रवण जी सही है ये, उनका तर्क ये है कि 10 में से 9 पिछड़ा या सवर्ण से है, एक ही दलित से है, मैं SC ST से है, तो इसलिए उसको बराबरी में लाने के लिए नीचे से प्रमोशन करके कि 3 उस पोस्ट भर दी जाए, इसलिए हम लोग। यही मैं सहमत नहीं हूँ, मेरा मानना है कि जब सवर्ण के लिए मेरिट का आधार है एक प्रमोशन के लिए, तो वो आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए मेरिट का आधार क्यों नहीं होगा? अब आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि मेरिट विद द जनरल कैटेगरी के साथ में, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस वर्ग में आ गए तो वहां पे मेरिट आएगी आपकी, उस मेरिट के फिक्सेशन की बात आप कर लीजिए, लेकिन एक्सक्लूसिवली आपके लिए सीट रिजर्व रहे, पद रिजर्व रहे, दैट इज अगेंस्ट। क्या अभी क्या हो रहा है कि हम बैकलॉग की बात कर लिया, हमने पुराने में कोई आदमी नहीं था, अब आदमी नहीं था तो इसलिए क्या पद रिक्त रखा जाएगा? आज की तारीख में ये इसी के कारण है कि आज PHE में 6 या 7 चीफ इंजीनियर जो हैं सब उसी वर्ग के हैं, तो हमको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें उनके हक का भी नुकसान ना हो जो वो बात उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान व्यवस्था है पूरी तरह से मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग जो आज पहले दलित और वंचित माना जाता था आज प्रमोशन के आरक्षण के नियम के कारण उच्च वर्ग में पहुंच गया, और जो सवर्ण है भाई, हकीकत यह है कि पूरे डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं कनेक्टेड रहा हूं तो मैं जानता हूं कि ये स्थिति है कि सीनियर पोजीशन पे जो SC के अंडर में ई था वो आज सी बन गया जी, और वो SC वही है जी, तो ये एक विडंबना है। इस विसंगत को दूर करने के लिए बैठ करके सबको तय करना पड़ेगा कि ये विसंगत कैसे दूर होगी। यदि हम नहीं करेंगे तो जैसा कि कोमल जी बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया में आई हुई बाढ़ अचानक नहीं है जी, ये लोगों के अंदर भरा हुआ एक आक्रोश है। अच्छा, और एक चीज ये बात हमको तय करनी मानना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश की, कोई भी, आज सरकार की सब बात कर रहे हैं, आखिर ये सब लाया कौन जी? आज क्या सोचते हैं कहीं सरकार बदल जाएगी तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं होगा। तो ये कहना कि सरकार, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी आरक्षण के मुद्दे पे कुछ भी लेकर के नहीं कर सकती, एक ही सहारा है बराबरी पे लाने का, एक नियत आप कह सकते हैं कि निर्धारण करने का नीति, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई निर्णय देगा
तभी वो होगा, अन्यथा आप सरकारों से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी सरकार हो इसमें वो कोई छेड़छाड़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया गया तो संविधान बदलने की बात हो गई। मैं तो वही कह रहा हूं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि संविधान बदलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि संविधान के बदलाव का विश्लेषण करे। ये एक्सेक्रोशन नहीं हो गया कि नाइन शेड्यूल में ही चला गया इस चीज के लिए, है ना। तो इसलिए ये कहना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर सके। हाँ, ये बात जरूर मुझे थोड़ा खटक रही है आजकल कि विगत दिनों लॉ मिनिस्टर जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। सुप्रीम कोर्ट का कोई लालच नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जज पहुंच जाता है उसके बाद कुछ नहीं बचता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता में वापस आने का एक सबसे बड़ा लालच होता है, और इसलिए वो संख्या के आधार पर अपनी नीति को निर्धारित करते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा वर्ग हमको आसानी से वोट देगा, उसके लाभ की नीति बनाते हैं। तो ये बात हमको देखना पड़ेगा। मोदी जी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर पुनर्विचार करके फिर से लोकसभा और यहाँ से पारित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट फिर से उस पर विश्लेषण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पुनर्विचार याचिका तो खैर दायर की है राज्य के सपक्ष, नहीं होगी पुनर्विचार भी नहीं होगी, क्योंकि जो एक्ट बनाया उन्होंने उसके अगेंस्ट होगा, तो फ्रेश याचिका कहलाएगी। जी जी जी, बिल्कुल जी की टिप्पणी लें। लेकिन हमारे साथ दर्शक है इटारसी से मनोज जी, सवाल सवाल करें। सर जी, मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में यदि अपन देखते हैं कि क्लास वन अधिकारी और क्लास टू अधिकारी कितने हैं और उसमें एससी के कितने हैं, उससे ये आंकड़ा पता चल जाएगा कि वास्तव में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए पदोन्नति में। आपका सवाल क्या है? अब वो आंकड़े तो हम लोग वहाँ देखने नहीं जाएंगे कौन कितने हैं, लेकिन आपका सवाल क्या है और किससे है? मेरा सवाल ये है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए, किंतु पूरी कंडीशन को देखते हुए नया फॉलो अप होना चाहिए, मार्गदर्शी का निकलना चाहिए। दूसरा यह कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने में ये आता है कि जो करोड़पति लखपति है उनके पास गरीब एक कार्ड है, मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण देना मतलब SC ST में करोड़पति और लखपति है उनके बच्चों को मिलना चाहिए क्या? नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए भाई, जो क्लास वन अधिकारी उनके बच्चों को ना मिले वो बात रहे, पर जो वास्तविक लोग है SC ST का आरक्षण रहे, आर्थिक आरक्षण। आपका आपका सुझाव था बहुत अच्छा। सागर से एक और दर्शक है, देवेंद्र। देवेंद्र जी सवाल सवाल करें। देवेंद्र जी सवाल करें। दमोह से एक और दर्शक है, सुनील। सुनील जी सवाल सवाल करें। जी जी, मैं जो बोल रहा हूँ श्रीमान जी आपके द्वारा। जी हेलो। हाँ बोलिए। जो स्वास्थ्य विभाग में आपका कार्यकर्ता जी हैं, इनके लिए मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। मेहनत करने के बाद उन लोग को न पेमेंट न कुछ, अभी ऐसा है कि कुछ भी नहीं है उनके लिए। चलिए, ये आपका आज का मुद्दे से सवाल नहीं जुड़ा है, लेकिन आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया, बहुत धन्यवाद आपका। अग्नि जी आपकी टिप्पणी। त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात एक छोटे से उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ। जी, यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल में एक बहुत बड़े चिकित्सक है, जी नाम ही लूंगा, इसी आरक्षित वर्ग से है। जी, उनका एक अपना निजी क्लिनिक भी, जब सरकारी काम खत्म होता है तो निजी क्लिनिक पर भी जाते हैं। जी, और वहाँ भी पेशेंट्स को देखते हैं। जी, उन्हीं के पेशेंट्स में एक रिसेप्शन पर बैठने वाला व्यक्ति है जो कि आरक्षित वर्ग से है। जी, मेरी यूं ही उससे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि तुम सरकारी नौकरी में क्यों नहीं जाते हो? जी, बोले कई बार अप्लाई किया है, कई बार इंटरव्यू हुए हैं, परीक्षा हुई है, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता। जी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। जी, अब जो आरक्षित वर्ग के चिकित्सक है बहुत बड़े, जी, और उनके यहाँ जो काम कर रहा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, स्थिति यह है। जी, तो जो बात कमल जी ने कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो अभी भी वंचित है, शोषित है, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए हैं, जिनका आर्थिक आधार बहुत अच्छा नहीं है, जी, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको मौका दीजिए। एक वर्ग विशेष जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुका है उसने पूरी व्यवस्था को कॉर्नर कर लिया। जी, यह बात बिल्कुल सही है, उसके अलावा किसी और को आरक्षण मिलता ही नहीं। जी, दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कभी भी दो प्रकरण शाहबानों और एक अभी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुआ, जी, उसमें उनको पलट दिया गया फैसलों। जी, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ करना भी चाहे तो सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत जिस तरह से काम करती है वो काम करने का तरीका, देखिए
बहुसंख्यक भी देश में रह रहे हैं, वो भी आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, वो भी पिछड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसी स्थितियां नहीं हैं, लेकिन सवाल आप आरक्षण उनको दीजिए ना दीजिए एक अलग बात है, लेकिन उनको भी आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ने का कोई ना कोई मौका जरूर मिलना चाहिए। तो इस मामले में सवर्ण जी से ही पूछ लेते हैं। सवर्ण जी, क्या कहना है आपका? जो सवर्ण या पिछड़ा वर्ग का आदमी अगर मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो सिर्फ वो एक जाति विशेष के यहाँ पैदा हो गया, यही उसका अपराध है क्या? दो तीन विषय जुड़ गए हैं, ये इस सवाल का भी जवाब देंगे। नहीं, हम इसी सवाल का जवाब चाहे, हम वहां से शुरू करना चाहते। दुर्ग से एक दर्शक का भी था कि उन्होंने, हम दोनों लोगों से बात की थी, केदार सर से और मुझसे, तो वो कह रहे थे कि ये नियमों के बाद भी हमारा समाज वंचित क्यों है जी। तो एक तो उनका जवाब ये है कि वंचित, हाँ वही वो जो कमल जी और अग्निहोत्री जी दोनों ने कहा है, हाँ, कि एक वर्ग मतलब आरपी के, मैंने एससी एसटी में ही एक वर्ग अलग बन गया है जिसने इसको हाईजैक कर रखा है। नहीं, हाईजैक शब्द ठीक नहीं होगा, जी जी। तो उसमें सिर्फ इतना सा है, समझने की जरूरत है ये जी। और वहां पीछे लेके जाना चाहूंगा मैं जी, आपको जी। ये होगा कि सरकारी जो तंत्र है उसकी बदनीयती का शिकार हो रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, एक दूसरी चीज ये आरोप भी समझा जा सकता है इसको, सरकारी तंत्र की बदनीयती। हाँ, बदनीयती सरकारी तंत्र में तो आपके भी लोग हैं 100% हमारे हैं, तो हमारे भी कंडेम किए जाने चाहिए जी, है ना। ये है हमारा। और दरअसल क्या हुआ है, पदोन्नति नियम 2002 की आवश्यकता क्यों पड़ी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करनी चाहिए अपन को जी। और ये पूरा जुड़ा मुद्दा है, इससे क्रीमी लेयर तक जाएगा ये सारा कुछ हाँ। और उससे जुड़ पाएगा ये जी। तो पदोन्नति आरक्षण, पदोन्नति नियम 2002 की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सरकार ने ये देखा कि अभी तक यानी स्थापना के वर्ष से आज तक हम देखते हैं यानी 2002 तक जी। तो वहां पर हमारे वर्ग के विशेषकर एससी एसटी के लोग जो है ऊपर वाली अपर वाली पोस्ट पर जा ही नहीं पा रहे थे, तो उसका गहन अध्ययन किया गया, पता ये चला कि सब वो ये था कि मेरिट कम सीनियरिटी और सीनियर कम मेरिट, ये दोनों ही विषय को आगे पीछे करके देख लिया गया, लेकिन फिर भी ये वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो बदनीयति का शिकार जो है, सरकारी तंत्र ने बदनीयति दिखाई और उसका शिकार हमारा पूरा का पूरा समुदाय हुआ। सरकार ने ये सरकारी तंत्र में कितने ही हम नाम गिना दें, सर बहुत सारे नामों को अपन गिना सकते हैं, लेकिन अपन को वो उस तरह नहीं लेके जाना पूरी चर्चा को, बहुत विशेष रूप से अपन चर्चा पूरा सरकारी तंत्र बोल रहे हैं ना, इसलिए सरकारी तंत्र में जो जो लोग बैठे हुए बदनीयति रखते हैं वो, उसकी वजह से पूरी की पूरी पॉलिसी कंडेम हो जाती है। बदनीयति तो मतलब आपके वर्ग के लोग भी जो बैठे हैं, मैं आपके वर्ग के लोग मंत्री भी हैं, आपके वर्ग के लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, आपके वर्ग के लोग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये कह सकते हैं आप उसको हाँ। तो जब सरकार ने ये तय किया कि हमको 2002 नियम बनाना चाहिए, तो 2002 नियम पदोन्नति 2002 नियम केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं बना था, वो पदोन्नति के पूरे पैरामीटर्स को लेकर के आया था। और सारी चीजें जब 2002 के बाद शुरू हुई तो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एक पूरे के पूरे विभाग में उन्हीं के लोगों को भर्ती कर दिया गया, ये कैसे संभव होगा, ये आप भी सोचिएगा, ये चिंता का विषय है। ये जिसने भर्ती की उसको दंडित किया जाना चाहिए, ना कि जो आपके 10 साल सीनियर है उसके ऊपर आप बैठ जाए। नहीं, कोई इस तरीके की नहीं है, लेकिन जहां उसको जो राइट मिल रहा था उस पूरी की पूरी बहुत है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जानता हूं कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं। डॉक्टर तोमर ने अभी उदाहरण मैं बता सकता हूं उस बात को, एक भी संचालक देखामान पिछड़ा अल्पसंख्यक तो वो नियम के मुताबिक आया होगा, उसको कैसे कर दिया गया वहां पर ये, और फिर ये तो आप लोग सब लेकर के वहाँ न्यायालय में गए उस पूरे विषय को, तो उसको उसका नुकसान हुआ होगा ना निश्चित रूप से। इसलिए हुआ कि बैकलॉग की पोस्टों को काउंट कर लिया, बेसिक ये हुआ है, ये परिणामी व्यवस्था भी दी गई इसके कारण, इसके कारण एक बार पहले प्रमोशन दे दिया गया तो उसके कारण हो गया कि वो आदमी है ना सर, दे दिया वो सीनियर हो गए सर। तो 2002 के बाद से ये एकदम पूरा का पूरा वर्ग एक वर्ग के खिलाफ हो गया जी। ये दुर्भाग्य ये, क्योंकि वैमनस्यता हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। केदार सर ने बहुत अच्छी बात करी, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन क्यों वैमनस्यता पैदा की जा रही है? आज जो है हमारा ही दूसरा भाई जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं वो मुंडन करा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बिल्कुल सवर्ण जी, तो अगर
कोई सब इंस्पेक्टर बना है, उसके नीचे कोई आरक्षक आरक्षक है, वो उसका इंस्पेक्टर बन जाए, उसके ऊपर चला जाए, तो वैमनस्य तो आएगी नहीं? आएगी नहीं आएगी, उसको उसका लाभ बोल करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वर्षों से कितने साल की सर्विस के बाद वो इंस्पेक्टर बना है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वही तो देख रहे हैं कि जो पांच साल में आरक्षित बन रहा है वो प्रमोशन पा रहा है, जो दस साल से है वो नहीं पा रहा है। आप देखिएगा, किसी एक विभाग में पांच पद है, पांच पद के लिए पदोन्नति हो रही है जी, हमारा एक पद है जी, तो एक पद पर जो जाने वाला है वही तो जा रहा है। नहीं, मैं यही आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वही तो जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए कि एक पद आज है और हम पिछले पद भी काउंट करते हैं, तो हम चार लोगों को ये कहकर के आप बोलते हैं कि वो जूनियर है मेरे से, हाँ। जी। तो वो उस कैडर में जा रहा है ना, उस कैडर में वो सीनियर है। नहीं, तो वही बात कह रहा हूँ कि डिसएडवांटेज ये होता है कि श्रवण जी, अगर यहाँ पे जिस दिन ये 2002 पदोन्नति पे आरक्षण होने के लिए नियम लागू किया गया, तो उस दिन से लागू करते और बोलते आज के बाद अगर पांच पद ऊपर हैं, हाँ, तो दो पद एससी एसटी के होंगे आगे भर्ती के साथ, और अगर ऐसा कर देंगे कि जो आपका सीनियर रहा है उसके आप सीनियर बन जाएंगे, तो वैमनस्यता तो आएगी ही। नहीं, देखिएगा सर, आप बता दूं आपको, असल में आपको उन पदों की पूर्ति करनी है जी। प्रतिनिधित्व कानून वाली बात अपन कर रहे हैं जी, कि प्रतिनिधित्व हर एक आदमी का होना चाहिए वहां पर, के एक ही वर्ग का हो जाएगा वहां जाकर के जी। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी से वो आदमी अगर भर्ती हुआ तो रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ये होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वहां पर वो कहते जरूर हो कि रिजर्वेशन पॉलिसी आ गया है तो उसको आगे बढ़ाइए, वो बढ़ ही नहीं पा रहा था, 2002 की जरूरत पड़ी कैसे जी, उस पर भी तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए पॉलिटिकल था, हर आदमी जानता है उस बात के लिए, पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही सबसे पहले नहीं सर प्रमोशन लागू किया भारत सरकार ने, और कहीं नहीं किया, किसी जगह नहीं किया था, बाद में लोगों ने किया 2002 के बाद। नहीं सर, अन्य प्रांतों में भी है वो, बाद 2002 के बाद यहाँ के नियम बनाएगा सब, पहले यहाँ बनेंगे तब बने तब बाकी जगह। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि दरअसल क्या है, वैमनस्यता का भाव नहीं भूलना चाहिए। यदि आप बंधुत्व की भावना रखते हैं, सहबंधुत्व की भावना रखते हैं, तो हमारे एक वर्ग को जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति, जो चूंकि आपने खुद ने कहा कि वो लोग वास्तव में पिछड़े रहे आजादी से आज तक, चलिए समझ लीजिए, अगर जैसा कमल जी ने कहा है कि ये आपको समानता तब आएगी समाज में जब एक जिसको हमारे यहाँ संजय काकू अगर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जब मैं छोटा था उनके पिताजी भी काम करते थे, मजदूरी करते थे, आज उनके दोनों बच्चे ग्रेजुएट हैं और नौकरी नहीं मिल रही, उसके अभाव में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसको हम क्रीमी लेयर कह रहे हैं वो क्रीमी लेयर ना होकर वन टाइम अपने वर्ग के लिए ही चलिए चिंतित होना चाहिए आपको कि आपके, हम ये नहीं कह रहे हैं दोनों लोग कि 33% से आरक्षण कम कर दिया जाए, वो पोस्ट खाली है उसमें जिसको वन टाइम मिल गया है आरक्षण उसको अब नहीं मिले, गस्टेड पोस्ट कम से कम होना चाहिए, उसको उसके बच्चों को ना मिले। सर जी, वो बहुत अंदर का इंटरनल विषय है उनका, वो चाहे जिसको देना चाहे वो मेरी निवेदन ये थी कि अपन लोगों को मनमानी व्याख्या नहीं करनी जी, नहीं सुझाव देने, बात का हल निकालने की बात, दूसरी व्यवस्था समाप्त करने का। सर क्या है, आपने इतना बढ़िया मुद्दा आपने लेके आए हैं हम सबके बीच में और हम सबको मिलने बैठने का अवसर दिया, अपनी बात को रखने का अवसर दिया। दरअसल क्या है, पूरा का पूरा घटनाक्रम जातीयता से जुड़ा है जी, और जब तक हम जातीयता के भेद को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम जातीयता के दंश को नहीं समाप्त कर पाएंगे, तब तक ये सारी चीजें आपकी वैमनस्यता और तमाम चीजों की एक दूसरे से कटुता और गैर बराबरी वाले जो है पूरे के पूरे भाव को समाप्त नहीं कर सकते जी। तो मेरा सिर्फ उसमें ये कहना है कि इसका जो है नुकसान वो पढ़े लिखे वर्ग को भी होता है जी। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी आप ले लीजिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो आप भूल नहीं सकते हैं। क्या हुई, क्या हुई उनके साथ, वहाँ मंदिर में जाने से कुछ देखिएगा आप, पूरे मीडिया ने उस बात को कवर अप किया। कुछ ऐसा है कि मैं मीडिया में बैठा हूँ,
तो मैं सब मीडिया को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मीडिया भी आज की तारीख हमारा में हमारा सिर्फ ये कहना है कि जातीयता का भाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है। एक दूसरे को हम जो है ना आप उसी नीची निगाह से देखते रहेंगे। बात के नाम तो लिखने ही लगे हैं ना, नहीं वो कौन रहा है, नहीं सर लिखने वाली बात नहीं है। आज भी वो उस तरीके का भाव जो है हमारे बीच में खुला हुआ है। कहना चाहता हूँ कि आरक्षण जब तक देश में समाप्त नहीं होगा, लेकिन कोई पांच साल में दस साल जाती है हमें हम तो भारतीय कहा जाए हमको। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम पांच साल या दस साल में नहीं समाप्त कर पाएंगे। हम ये टारगेट लेके चले कि 50 साल में शोषित वंचित वर्ग में ये बराबरी से बट जाएगा, और उस बराबरी से बटने के लिए एक परिवार को एक बार का आरक्षण दिया जाए, उसके बाद वो परिवार वंचित हो अगला परिवार ले, अभी वो खत्म हो तीसरा परिवार ले, तब पूरे में आएगा और तब फिर हम कह सकते हैं कि अब आरक्षण समाप्त। क्योंकि आज दुनिया का एक ऐसे जाति प्रथा बाकी जगह है भी नहीं, यही एक देश होगा जिसमें हम पिछड़ा बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अकेला देश है, हम आगे बढ़ने की बात करने के लिए पिछड़ा होने के लिए साबित करने में लगे। अब मराठा पिछड़ा की मांग करे, गुर्जर पिछड़ा की मांग करे, जाट पिछड़ा की मांग करे, सबसे संपन्न लोग हैं अपने अपने स्टेट के है, और वो मांग करते हैं सिर्फ इसलिए। और जबकि सरकारी नौकरियां कम है आज की तारीख में, उसमें भी आप चाहते हो कि हमको पिछड़ा वर्ग डिक्लेयर कर दिया जाए। मीणा समाज बहुत संपन्न है उनको, मीणा तो चलिए हम मान ले पुराने हैं, पहले से मिला हुआ है। आज की तारीख में जो लोग नहीं है, यादव समाज, अब यादव क्या, लेकिन हर वर्ग क्या ब्राह्मण और ठाकुर में गरीब नहीं है, है सब में। तो ये हमें सब में गरीब है, तो हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि क्रीमी लेयर या तो जो पहले से है, और यदि एससी एसटी की बात करें तो पहले के ना भी माने कि पहले से क्या है उसके आए, लेकिन एक बार वो क्लास टू की पोस्ट में रिक्रूट हो गया तब उसके बच्चे को तो कम से कम उससे वंचित किया जाए और उसी समाज के दूसरे लोगों तो से बात करते हैं। लेकिन श्रवण जी एक थोड़ा सा छोटा सवाल मैंने सभी लोगों के लिए है, जी सवाल जी, क्या जी। अगर कोई गजेटेड ऑफिसर किसी भी वर्ग से आता हो या संपन्न आदमी हो, अगर आपके घर आता है तो आप उसको निश्चित तौर पर ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, लेकिन किसी भी जाति का हो, मैला कुचैला कपड़ा पहने हो, मजदूरी करता हो, तो उसको आप क्या ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। अब उससे आप क्या पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण हो कि ठाकुर हो कि एससी हो कि एसटी हो कि पिछड़ा वर्ग हो? मुझे उस आदमी को हक मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, उस देखिए आप दोनों विषय आपके अलग है, लेकिन जोड़ करके आपने कहा इस बात को जी। दरअसल क्या है, गंदगी का सभी लोगों को जो है परहेज रहता है जी, हमको भी रहेगा निश्चित रूप से। अगर कोई मैला कुचैला है तो निश्चित रूप से हम उससे परहेज करेंगे। बात मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपन वृतांत या वो देखते हैं जीवन जी, वृतांत तो जी, उसमें उनके साथ चूंकि वो तो उस समय बहुत सारे ज्यादा लर्नेड थे और उनके साथ उस तरीके का व्यवहार हुआ। आज भी आप राज्य करके त्रिपाठी साहब इतनी हम लोग पढ़ा है ना, तो समाज की डिफरेंस। सर मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आज भी उस तरीके का मानसिक भाव समाप्त नहीं हुआ है और इसी कारण काफी बदलाव है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो चुका है सर, गांवों में ये बात अभी भी कुछ हद तक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन शहरों में तो पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन पूछता है यार, लेकिन श्रवण जी क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके ही वर्ग का कोई आदमी संपन्न हो आगे बढ़े? क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? तो जब जो संपन्न हो चुके हैं वो लाभ लेते रहेंगे तो कैसे हो? सर हम लोग ये चाहते हैं कि संवैधानिक जो कानून के अनुसार उनको प्रावधान है वो प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो जाए। आपने आप शशि कर्णावत जी यहाँ आई थी, शशि कर्णावत जी यहाँ आई थी जी जी, आईएएस है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम अपने दोनों बेटियों को हम लाभ नहीं दे रहे। वो उनको लागे जाते हैं, वो छोड़ सकते हैं, वो त्याग सकते हैं। बात करें ना, इसको नियम कानून के तहत हो जाइए। हाँ, एक बार जो मिल गया तो क्लास टू हो गया, उसके बाद उसके परिवार को नहीं मिलेगा, किसी सेकंड को मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो त्याग नहीं करेगा? 35% से आपका आरक्षण कम हो, हाँ ये नहीं कहा जा रहा। आपके वर्ग में फैले, अभी वो कॉर्नर्ड है,
उसको फैलाना है। पूरे तरीके से उसको लाभ ही नहीं मिल पाया, उससे हटाने की बात मिल पाया है ना। आज आप देखिए, मैं एक बात बताऊं सर, बैकलॉग आज भी जो है देखिए 1,00,000 पद खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे भरी है ना, और बैकलॉग भरा जाता है तो केवल सर बाकी का बैकलॉग तो भरा ही नहीं जाता, बाकी में तो रिस्ट्रिक्शन है 10% का, बाकी का बैकलॉग नहीं भरा जाता, बैकलॉग केवल एक ही बार से इसका भरा जाता है, केवल अनुसूचित जाति नहीं जाती भरा जाता है, बाकी के 1.25 लाख पद खाली है उनको नहीं भरा जाता, उनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर ले नहीं तो है और उसमें केवल 10% से ज्यादा भरता ही नहीं है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के जगह पर खाली है और लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारें बीच में क्या करती हैं कि प्रतिबंध लगा देती है भर्ती पे, आज जब प्रतिबंध 5 साल का लग गया तो उस पीरियड में जो पद हुए, लोग रिटायर हुए, वो खाली हुए, तो अब वो बैकलॉग हो गया। उस बैकलॉग में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो आरक्षित वर्ग के हैं वो तो भर दिए जाए, लेकिन सामान्य वर्ग के बैकलॉग को नहीं भरा जाए, नहीं, नहीं, तो भी एक अपॉर्चुनिटी जाए, ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको सामान्य वर्ग की भर्ती निकालते ही नहीं है, ज्यादा नहीं निकालते। मेरा निवेदन ये था कि अभी इसी सरकार ने करीब करीब 10-12 साल पहले एक आदेश निकाला था जीएडी से के सामान्य वर्ग के जितने भी पद रिक्त हैं उन सामान्य वर्ग के पदों को तत्काल भरा जाए, तो हमारे सभी विभागों ने उस पर एक्शन किया और लगातार बहुत सारी भर्तियां भी हुई। अभी भी कई विभागों ने बैकलॉग के पदों पर एकल पद मान करके उनकी भर्ती कर दी, हम उनका भी विरोध कर रहे हैं कि एकल पद को आप जो है बैकलॉग में क्यों निर्धारित नहीं कर रहे भैया। चलिए, तो इस तरीके की चीजें हैं जिस पर हमको एक मूल बात यह है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये शाश्वत सत्य है। फिलहाल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी तो ये बात तय है। अब जैसा कि श्रवण जी बोल रहे हैं, तोमर जी बोल रहे हैं, वो बातें भी सही हैं और जो मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से वो भी सही है। इन सब के बारे में एक सामंजस्यपूर्ण नीति बननी चाहिए जिसमें मुझे समझ में आता है कि वो हमको बराबरी पे लाना है सबको, तो वो हमको रोकना पड़ेगा कहीं, जैसे आरक्षित वर्ग को किया यानी सामान्य वर्ग को किया, उसी तरह आरक्षित वर्ग में भी जो उसका लाभ ले चुका उसको रोकना पड़ेगा। आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण क्या जी? आर्थिक आधार पे? देखिए आर्थिक आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं जा सकते, आर्थिक आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान नहीं कहता, सिर्फ डिमांड होती है, डिमांड होती रहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। एससी एसटी के लिए क्लियर कट है, अन्य के लिए लिखा हुआ है कि कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस जी पिछड़े पंजीकरण जी जी। चलिए सर, अगले तो बहुत संक्षेप में टिप्पणी, हमारा समय समाप्त हो गया है। नहीं, श्रवण जी जो कह रहे थे जी कि वैमनस्यता जो बढ़ रही है और लोग डर रहे हैं जी, तो सवाल यह है कि जिस तरह के कानून बनते जा रहे हैं जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है, शहरों में तो हम नहीं मानते कि इस तरह की कोई एक दूसरे से जातिगत भेदभाव है जी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के कानून में सुप्रीम कोर्ट के बावजूद संशोधन कर दिए गए हैं उसके तहत अब शहरों में भी निजी नौकरियों में जो अब तक नहीं देखा जाता था शायद अब देखा जाने लगेगा, और इस वर्ग को नौकरियां मिलने में भी दिक्कत होगी। प्राइवेट उसमें जी वो एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किया जी उसकी वजह से अब बकायदा बायोडाटा में शहरों में भी जो निजी कंपनियां हैं या निजी जो फैक्ट्रीज है जी उसमें वो देखने लगेंगे कि इस वर्ग से तो नहीं है, कहीं कल को ऐसा ना हो कि हमने किया कुछ ना हो लेकिन फिर भी हमको जेल की हवा खानी पड़े जी। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसके कारण इस वर्ग को दिक्कतें आ सकती है, वरना बात सही है कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता और ना होगा, किसी में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं। दूसरा ये जरूर है कि वन टाइम जो आरक्षण की बात हो रही है वो, लेकिन ये तो जो नीति नियंता है सब लोग को जो नीति नियंता है हम तो सुझाव देने का काम कर सकते हैं जी। तो जो नीति नियंता है वो कम से कम तय करे कि एक परिवार को एक बार आरक्षण मिल जाए, क्लास टू की कोर्स कम से कम 3-4 में है तो कम से कम वह वर्ग का वह व्यक्ति जिसको अब तक परिवार जिसको आरक्षण नहीं मिला है उसको कम से कम आरक्षण का लाभ मिला। चलिए बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, कमल जी आपका, कोमल जी और समर जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। तो आज की बहस से इतना तो साफ है कि जातिगत आरक्षण ने देश को दो वर्गो में बांट दिया जिसका नुकसान कहीं ना कहीं समाज को उठाना पड़ रहा है। पिछड़े शोषित और गरीबों को आगे बढ़ाने की कोशिश तो जारी रहनी चाहिए लेकिन सरकार और माननीयों को देखना होगा कि ऐसा करते करते कहीं किसी और वर्ग के हितों की अनदेखी न हो जाए।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए भी कोई योजना बनाई जाए ताकि समाज में बराबरी के सिद्धांत को जिंदा रखा जा सके। बहरहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।